फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेल के शरबत की रेसिपी। बेल इन दिनों मार्केट में बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है और बेल जो है वो बहुत ही यूजफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को ठंडक देता है और जिन लोगों के पेट में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल होता है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बेल और ये काफी बिग साइज का बेल है, ऑलमोस्ट 1 kg के आसपास है ये। और बेल हमेशा पका हुआ होना चाहिए, कच्चा बेल बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि कच्चा बेल नुकसान करता है। तो कोशिश कीजिए या फिर अच्छे से जांच परख के आपको लेना है कि बेल बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। तो चलिए इसे तोड़ लेते हैं। इसके लिए आप कोई भी भारी चीज ले लीजिए, बेलन या फिर कोई भी भारी चीज जिससे ये इजिली टूट जाए, जमीन में भी मार सकते हैं इसको, तब भी फट जाएगा। तो मैंने ये ना अदरक कूटने का लिया है, इससे मैं इसको जोर जोर से इसको मारूंगी तो ये टूट जाएगा। तो ये देखिए इसमें एक क्रैक आ गया है, अब इसको छील लेते हैं लेकिन बहुत ही सावधानी से क्योंकि इसका जो ऊपर का कवर होता है ना वो बहुत ही हार्ड होता है और उंगलियों में भी लग सकती है, हाथ में भी लग सकती है। और फ्रेंड्स ये अच्छे से पका हुआ है क्योंकि जैसे ही मैंने इसको तोड़ा ना बहुत ही अच्छी मीठी मीठी खुशबू इसमें से आ रही थी। और ये देखिए कितनी आसानी से मैश हो रहा है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है, अंदर से भी पीला है, यहाँ से थोड़ा सा हरा है लेकिन ये बिल्कुल पक गया है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको तोड़ लिया है, इतना से तोड़ा है बस क्योंकि मुझे ना सारा नहीं बनाना है, बहुत सारा है तो मैं सिर्फ 3-4 ग्लास ही बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है इसको आगे आगे से। और ये जो छिलके थे ना इनको फेंकने नहीं है, इनमें भी बहुत सारा गूदा है बेल का, तो इसको भी मैं निकाल लूंगी अच्छे से, बहुत यूजफुल होता है भाई, फेंकना नहीं चाहिए। अब है ना ये जो बेल है इसको मैं निकाल लेती हूँ और ये मैं डाल लूंगी एक बाउल में इसको, क्योंकि इसके बीज भी निकालने ना हमें अभी। देखो इसके अंदर, देखो बीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बीज दिख रहे हैं ना, तो ये बीज ना बहुत कड़वे होते हैं तो इनको आप बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिएगा। अगर आप मिक्सी में ग्राइंड भी कर रहे हैं ना बेल को तो आप बीज निकाल दीजिएगा, अदरवाइज ये अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, कड़वा टेस्ट आएगा इसका। देखिए फ्रेंड, इतना मैंने इसको निकाल लिया है और ये वाला इतना इनफ है, 3-4 ग्लास जूस इसमें आराम से बन जाएंगे और काफी बिग साइज का है ना ये, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, फ्रिज में रखिए 2-3 दिन के लिए और फिर 2-3 दिन लगातार आप इसको यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होता है। तो ये गूदा हमने निकाल लिया है और ये जो छिलके थे जो हमने तोड़ के रखे थे इनमें भी काफी सारा पल्प है, तो ये भी हम निकाल लेंगे चम्मच से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा अच्छे से गूदे को निकाल लिया है और जो उसमें छिलकों में लगा था ना वो भी अच्छे से निकाल लिया है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी क्योंकि हमें इसके बीज निकालने हैं ना, तो इसको मैश करना पड़ेगा, मैश करने के बाद इसके बीज निकलेंगे। तो इस तरह से हाथों से आप इसे मैश करते जाइए और इसके अंदर ये जो बीज है सारे इनको निकाल के फेंक दो। देखो इस तरह से सारे निकाल के फेंक देना है इसको, इस तरह से आप चाहें तो एक एक बीज भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन उसमें क्या थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको इस तरह से मैश कर लीजिए हाथों से बिल्कुल अच्छे से और उसके बाद हम इसको है ना स्टेनर से स्टेन कर लेंगे, तो इसका जो जितना भी गूदा है और ये छिलके से है ना ये सारे अलग हो जाएंगे और जो पल्प है वो हमारा हमको अलग से मिल जाएगा। इसको अच्छे से मैश कर लिया है और आप देख सकते हैं ये जो जाले हैं इसके अंदर जो होते हैं वो और बीज, अब हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक बाउल और ये स्ट्रेनर ले लिया है, इसको हमें स्ट्रेन करना है। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा आप इसमें डालते जाइए इस तरह से और बस इसको इस तरह से, तो इसका जो है ना गूदा है वो जो पल्प है वो हमें मिल जाएगा और ऊपर का जो कचरा है ना मोटा मोटा वो सारा इसी में रह जाएगा। इस तरह से चम्मच से ना या फिर किसी भी स्पैचुला से आपको थोड़ा सा इस तरह से दबाना है ताकि जो रह गए हो ना थोड़ा सा पल्प वो भी स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह का, बस इस तरह का ये कचरा रह गया है, इसको हम फेंक देंगे और ये आ गया हमारे पास पल्प। तो मैं ऐसे ही सारा छान लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और सारा पल्प निकाल लिया है। ये देखिए काफी स्मूथ पेस्ट यहाँ पे हमको मिल गया है, ये देखिए बिल्कुल भी ना तो इसमें बीज है ना ही इसमें कोई जाले हैं जो इसके अंदर थे, तो बिल्कुल स्मूथ पल्प पेस्ट हमको यहाँ पे मिल गया है। अब इसका हम बनाएंगे जूस। तो मैं आपको दो तरह का जूस बनाना बताऊंगी इसका, एक
मिल्क वाला यानी कि दूध के साथ और एक विदाउट मिल्क। यहाँ पे ले लिया है मैंने मिक्सर जार, और पहले हम मिल्क वाला बना रहे हैं तो इसमें मैं ना थोड़ा सा डाल दूंगी, आधा सा जूस, ये जो पल्प निकाला ना आधे से ज्यादा मैं इसमें डाल दूंगी। और अब इसमें डालूंगी शुगर। तो यहाँ पे वैसे तो ये मीठा होता है बेल, तो मैं इसमें ज्यादा शुगर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 2-2.5 चम्मच ही शुगर ऐड कर रही हूँ, बाकी मीठा आप कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। आपको कितना इसको रिच बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दूध डाल सकते हैं, मलाई वाला दूध भी डाल सकते हैं अगर आप मलाई पसंद करते हैं तो। और फ्रेंड्स अगर आपको डायबिटीज है तो भी ये जूस बहुत ही हेल्दी होता है, अगर आप वॉक पे जा रहे हो या जिम से आ रहे हो तो आगे आप इस जूस को पी सकते हो, बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ढक्कन, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए बन गया ना, एकदम कलर ही चेंज हो गया दूध की वजह से, और काफी थिक है ये, मतलब बहुत ज्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता, इसको थोड़ा सा थिक ही रखना है, और आप चाहें तो इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसे गिलास में पोर कर देते हैं। और इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स। तो ये हमारा एक शरबत बनके तैयार हो गया है बेल का। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका। एक और ग्लास ले लिया है, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी ये चीनी, आप चाहें तो पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, मैं नॉर्मल चीनी डाल रही हूँ। तो 1 से 1.5 चम्मच चीनी यूज कर रही हूँ मैं, बस ज्यादा नहीं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पुदीने के 3 से 4 पत्ते, तोड़ के डालने हैं, बस मैश नहीं करना है, हल्का सा आप इन्हें तोड़ के डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेवर हमें नहीं चाहिए पुदीने का। थोड़ा सा इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, जरा सा पिंच ऑफ, बस इतना ही डालना है। और उतना ही थोड़ा सा काला नमक, सफेद नमक नहीं डालना है, काला नमक डालना है टेस्ट के लिए, और इतना ही कि उसका टेस्ट ना आए, क्योंकि जो बेल होता है वो मीठा होता है और हमने शुगर भी ऐड किया है, तो एक बैलेंस के लिए मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच बेल का पल्प जो हमने निकाल के रखा था। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको बस इस तरह से शेक कर देना है। और इसमें भी ऐड कर देंगे कुछ आइस क्यूब्स। और बस इसे गार्निश कर देंगे पुदीना पत्ता से। हमारी दूसरी भी ड्रिंक तैयार है। तो ये थोड़ी सी नमकीन है और ये थोड़ी सी पतली है, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो बेल का दूध वाला जूस बनाया था, मिल्क वाला, वो थोड़ा थिक है और ये थोड़ा पतला है। तो ये देखिए ये बनके हमारा रेडी हो गया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये 2 तरह का बेल का शरबत बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये हमने बनाया है दूध से, थोड़ा सा दूध मिक्स करके, और ये है हमारा काला नमक और जीरा पाउडर वाला थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर वाला बेल का शरबत। तो आप इसे बेल का जूस भी कह सकते हैं, इसे बेल का शरबत भी कह सकते हैं, दोनों ही बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस गुणों से भरपूर और हेल्दी बेल के जूस को जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइज, आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।